Hello students, we are learning our chapter polynomials and today we are going to solve the exercise 2.4. Already we learned about the factor theorem. Okay, I also in last video you at least understand what about the factor theorem, and also we learned about the splitting middle term method, that is the factorization method. Okay, so today we are going to start our exercise 2.4. And with the help of some examples, we are going to understand more about the factor theorem and also how to solve that example. So today here is our first example. Determine which of the following polynomial has x plus 1 a factor. तो हमें x plus 1 ये factor इन polynomials में से किसका है ये हमें check out करना है. किसका है और किसका नहीं हो सकता है ये हमें check out करना है. बहुत simple और आसान example है students यहाँ पर. तो चलो वन बाय वन हम यहाँ पर पॉलीनोमियल्स लेते हैं और उसका x प्लस वन फैक्टर है क्या नहीं चेक कर देते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फर्स्ट टेक द फर्स्ट पॉलीनोमियल. फर्स्ट इज व्हाट x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस वन. सो व्हेनेवर वी हैव गोइंग टू चेक आउट द x प्लस वन इज अ फैक्टर और नॉट, सो उसके लिए क्या करना है, लेट x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. कहना है दैट x plus 1 is equal to 0. So what we get x is equal to 0 minus 1, that is x equal to minus 1. So we have to put that value, ये minus 1 value क्या करने हमें actually put up करनी है इस expression में. ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ये put up करते हैं value इस expression में, तो अगर इसकी value क्या आती है, 0 आती है, तो ये उसका क्या होगा, फैक्टर होगा, दैट मींस x प्लस 1 उसका फैक्टर होगा. तो यहां पर चलो पुट अप कर देते हैं. तो इसके लिए मान लेते हैं लेट p ऑफ x इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. ओके, वैल्यू पुट अप करनी है, सो p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब, ओके, माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 और प्लस 1. तो यहां पर चलो सॉल्व करते हैं इसको, माइनस वन का क्यूब कितना होगा, एज यू नो माइनस वन ही होगा, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, और अगेन माइनस वन, दैट इज अ माइनस वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर लेकिन प्लस वन होगा, प्लस माइनस वन, ओके, एंड प्लस वन. तो यहाँ पर माइनस वन होते हैं हमारे माइनस टू, वन और वन होते हैं हमारे प्लस टू. ओके, तो यहाँ पर माइनस टू और प्लस टू के कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ गया जीरो. सो पी ऑफ माइनस वन क्या आ गया, यहाँ पर यहाँ पर आ गया हमारा जीरो. सो वी कैन से दैट यस एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल ऑफ एक्स, दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन. तो उसका क्या है, यस इट इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलीनोमियल, मतलब x प्लस 1 अभी इसका क्या है, फैक्टर हो सकता है. क्यों हो सकता है, बिकॉज व्हेनेवर वी पुट द वैल्यू x इक्वल टू माइनस 1 इन दैट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वी गेट हियर अ जीरो. तो यहां पर अगर ये जीरो आता है तो ये उसका क्या हो सकता है, फैक्टर हो सकता है. व्हिच वन फैक्टर, दैट इज x प्लस 1 इज अ पॉलीनोमियल, इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलीनोमियल. Understand? Now let us check for the second one. For second one, we are going to now check it. So what we do have second one? So अगर हम second one की बात करते हैं, तो चलो second one में क्या आता है हम check करते हैं यहाँ पर. तो चलो यहाँ पर second one ले, देखो second one हमें x raised to 4 plus x cube plus x square plus x plus 1. Okay, so इसका भी, इसके लिए भी हमें क्या करना है, x plus 1 is equal to 0 मानना है और x की वैल्यू यहाँ पर मिस लेनी है माइनस 1. तो यहाँ पर हमारा पॉलीनोमियल कौन सा है, x raised to 4 plus x cube plus x square plus x plus 1. पुट करते हैं जो इसमें, that is the p of minus 1 is equal to minus 1 raised to 4 प्लस माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन और प्लस वन. सॉल्व करते हैं, माइनस वन का रेस टू फोर तो कितना आएगा, ये वन आएगा हमारा, प्लस माइनस वन का तो ये तो माइनस वन ही आएगा,
प्लस माइनस में दस में वन आएगा, ये माइनस वन होगा और यहाँ पर वन होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते तो वन वन और वन ये हो जाएंगे हमारे थ्री, प्लस माइनस और माइनस वन हो जाएंगे हमारे माइनस टू। थ्री प्लस और माइनस टू होते हैं हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पर, ये आएगा वन, लेकिन हमें वन मिल रहा है तो वन नहीं चाहिए। अगर हमें जीरो आता है तभी वो इसका क्या होता है, फैक्टर होता है। सो हम क्या कह सकते हैं कि नो एक्स प्लस वन इज नॉट फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, कौन सा फॉर्मूला मिला हमारा, दैट इज द एक्स रेस्ट टू फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसका वो फैक्टर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो सेकंड वन भी वो फैक्टर होगा क्या हमारा, नहीं होगा। नाउ लेट अस चेक इट आउट फॉर द थर्ड वन पॉलीनोमियल। ओके सो थर्ड वन के लिए चेक करते हैं। तो सेम तरीका की यहां पर हमें अप्लाई करना है, सेम मेथड पूरी की पूरी अप्लाई करनी है कि वो होता है कि नहीं चेक आउट करना है। ओके सो व्हाट वी हैव फॉर थर्ड वन, फॉर थर्ड वन वी डू हैव x रेज़्ड टू 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके सो लेट पुट द वैल्यू x माइनस 1 इन अगेन इन दैट अल्जेब्रिक पॉलीनोमियल 3x स्क्वायर और देखते हैं कि क्या आ जाता है। लेट पुट द वैल्यू p ऑफ माइनस 1 देयर इज अ माइनस 1 रेज़्ड टू 4 प्लस 3 इनटू माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इनटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 एंड प्लस 1। ओके वी आर कीपिंग द वैल्यू इन दैट लेट अस सॉल्व इट, माइनस 1 रेज़्ड टू दैट इज द 1 प्लस 3 इसका होगा माइनस 1 ही क्यूब प्लस 3 इसका होगा प्लस 1। ओके प्लस माइनस 1 ही आएगा इसका और प्लस 1। लेट अस सॉल्व दिस 1 3 इनटू माइनस 1 दैट इज द माइनस 3 प्लस 3 इनटू 1 3 और प्लस ये आता है हमारा माइनस 1 और यहां पर एक प्लस 1। तो चलो जल्दी सॉल्व करते हैं, चलो माइनस 3 प्लस 3 तो यहां पर कैंसिल हो जाएंगे हमारे, 1 और माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगा लेकिन ये 1 रह जाता है। तो फिर अगेन वी डू हैव 1 ओवर हियर, तो 1 आ गया हमारा, दैट मींस 0 नहीं आया, 0 नहीं आ रहा है, दैट मींस इट इज नॉट अ polynomial, it is not a factor. Okay, so again we can write over here, no x plus 1 is not factor of polynomial p of x, that is kaun sa hai hamara x raised to 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1, iska factor ho sakta hai kya, no। ओके नाउ लेट अस चेक इट आउट फॉर आवर लास्ट एग्जांपल, दैट इज द लास्ट पॉलीनोमियल। अगेन सेम वी हैव टू डू ओवर हियर, ओके स्टूडेंट्स सो लेट अस सॉल्व इट फॉर द लास्ट वन। व्हाट वी डू हैव फॉर द फोर्थ वन, यस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 plus root 2 bracket complete x और plus root 2 solve करेंगे, put करेंगे values के लिए x cube minus x square minus 2 plus root 2 x और plus root 2, let us keep the value minus 1, so p of minus 1 is equal to minus 1 का cube minus in the bracket minus 1 का square minus 2 plus root 2 into minus 1 or plus root 2 as it is. So, yahan let us solve that one. Minus 1 ka cube hoga minus 1 minus minus 1 ka square hoga 1. Ye minus sign isko attach ho jayega. Okay? So, yahan par ye ho gaya minus 1 aur minus 1. Again minus aur yahan par ye minus 1 se usko multiply karna hai bracket ke andar. तो चलो पहले माइनस वन से ये जो माइनस वन है इससे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ओके प्लस रूट टू, तो ये माइनस वन से पहले क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में माइनस साइन अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर आएगा माइनस वन माइनस टू दैट इज माइनस टू, माइनस साइन ये वाले माइनस साइन एज इट इज रखेंगे
-1 -1 -2 ये वाले वाले से एज इट रखेंगे, -1 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, चलो दैट इज द -2 और -√2 होगा और ये +√2 आएगा। अब क्या करेंगे, ये सारी साइन अंदर ही करेंगे, तो ये देखो यहां पर आ जाएगा आपका, देखो -1 ओके यहां पर आ जाएगा फिर आपका -2 --+2 --+√2 और +√2 ओके। तो -2 + 2 तो गेट कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन √2 और √2 हो जाएंगे 2√2, कितना आया हमारा 2√2। यहां पर 0 अगेन वी डोंट गेट 0 और हियर, सो वी कैन राइट ओवर हियर नो x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, क्या है p ऑफ x लिया हमें, दैट इज द x³ - x² - 2+√2 ब्रैकेट x और +√2। इस पॉलीनोमियल का फैक्टर है क्या, नहीं है, सो वी गेट ओनली दैट द x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दैट फर्स्ट वन पॉलीनोमियल ओके। इस पॉलीनोमियल का ही होता है फैक्टर है ओके। सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट एग्जांपल ओके। सो नाउ लेट अस सॉल्व आवर सेकंड प्रॉब्लम, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड ओके। सो वी डू हैव द सेकंड एग्जांपल ओवर हियर, यूज द वेक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहां पर हमें क्या करना है कि अभी इसके पहले रिमाइंडर थ्योरम था, रिमाइंडर थ्योरम जो आपको इस साल रीड किया हुआ है इसमें इसको इससे डिवाइड करना होता था और रिमाइंडर जब जीरो आता था तब हम कहते हैं ये उसका क्या है फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर फैक्टर थ्योरम से हमें इस सॉल्व करना है, मतलब क्या करना है, हमें सिर्फ क्या करना है इसका जीरो ढूंढना है, ये जो पॉलीनोमियल जी ऑफ एक्स है ना इसका जीरो ढूंढना है, इसका जीरो ढूंढने के बाद उसको वो वैल्यू इसमें पुट अप करनी है, अगर इसकी वैल्यू जीरो आती है तो यस ये पॉलीनोमियल है। किस तरह से सॉल्व करना है लेट अस चेक आउट। तो फर्स्ट वन सॉल्व करते हैं, देखो क्या है फर्स्ट वन में दिया हुआ हमें कि p ऑफ x दिया है 2x³ + x² - 2x - 1 और g ऑफ x दिया है हमें x+1। सो किस तरह से सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, फैक्टर थ्योरम से करना है कि आपको करना है इस तरह से कि लेट x+1 = 0 सो x इक्वल टू आएगा आपका 0 - 1 दैट इज x = -1। तो ये वैल्यू जब आपको मिल जाती है ये वैल्यू वी हैव टू जस्ट कीप जस्ट पुट इन दैट अपर पॉलीनोमियल, इफ पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है जीरो आती है, मतलब p ऑफ -1 की वैल्यू जीरो आती है तब वो उसका फैक्टर है और नहीं जीरो आती तो नहीं है, बस इतना सा सिंपल सा ये एग्जांपल। चलो लेट पुट द वैल्यू, सो p ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या आएगा जो हमारा 2 इन द ब्रैकेट -1 का क्यूब + -1 का स्क्वायर - 2 × -1 and -1। तो हमने क्या किया, जस्ट हमने क्या किया यहाँ पर पुट कर दी वैल्यू यहाँ पर इस सारे x की जगह पर, चलो सॉल्व कर देते हैं उसको। सो 2 × -1 = 2 × -1 - 1 का क्यूब वही होगा -1 + -1 का स्क्वायर + 1 होता है -2 and +2 हो जाएंगे अगेन यहाँ पर +2 और यहाँ पर ये -1। तो देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो जाते हैं, 2 × -1 दैट इज -2 + 1 + 2 and -1। देखो -2 + 2 गेट कैंसिल, +1 - 1 गेट कैंसिल, सो वी गॉट ओवर हियर अ 0। तो हमें अगर यहाँ पर 0 मिल रहा है सो यस वी कैन से दैट यस x+1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम यस x+1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। तो यहां पर हम डिफरेंट कह सकते हैं, व्हाई यू कैन से दैट बिकॉज़ वी गॉट अ 0 ओवर हियर ओके। x+1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल, ये हमारा आंसर है। नाउ फॉर द सेकंड वन, सेकंड वन क्या दिया हमें, देखो x³ + 3x² और उसके लिए चेक करना कि x+2 उसका फैक्टर है क्या नहीं, सिमिलरली सेम तरीके से आप करना सकते हैं। चलो सेकंड
one further with the students over here. Now let us solve the second one example here. So we do have, that is a p of x is equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1 and g of x is equal to x plus 2. So let first what we have to do, x plus 2 is equal to 0. So x equal to what we get? Yes, 0 minus 2, that is x equal to minus 2. We have to put that value in above polynomial. If we get 0, then yes, it is a factor. If we don't get a 0, it is not a factor. Then put the value p of minus 2 minus 2 ka cube, okay, plus 3 into minus 2 ka square plus 3 into minus 2 and plus 1. Solve karte hain, minus 2 ka cube kitna hoga? 2 2s are 4 and 4 2s are 8, but minus 8. क्योंकि माइनस टू इंटू माइनस टू एंड माइनस टू, माइनस टू इंटू माइनस टू हो जाएगा 4, लेकिन 4 इंटू माइनस टू हो जाएगा माइनस 8, ओके, सो प्लस 3 और माइनस टू का स्क्वायर तो होता है यहाँ पर 4, ओके, प्लस 3 और माइनस टू कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस 3 टू द 6 और प्लस 1, यहाँ पर देखो क्या आता है यहाँ पर माइनस 8 प्लस 3 4 द 12 माइनस 6 प्लस 1 एडिंग कर देते हैं यहाँ पर माइनस एट और माइनस सिक्स हो जाते हैं माइनस 14, ओके 12 और ये हो जाते हैं प्लस 13, जवाब आ जाता है इसका माइनस 1. अगर माइनस 1 जवाब आ रहा है, 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, सो नो, यहाँ पर कह सकते हैं नो, x प्लस 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल. ये उसका फैक्टर होगा क्या? बिल्कुल नहीं, तो इसका फैक्टर नहीं होगा. x प्लस 2 इज नॉट अ पॉल फैक्टर ऑफ अ गिवन पॉलीनोमियल, ओके. सो नाउ लेट अस सॉल्व द थर्ड वन एंड द लास्ट वन एंड लेट अस चेक, इज इट अ पॉलीनोमियल, इज इट x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलीनोमियल और नॉट. सेम मैनर वी हैव टू यूज ओवर हियर, अगेन वी हैव टू सॉल्व द एग्जांपल. वी डू हैव दैट थर्ड वन, that is p of x is equal to x cube minus 4x square plus x plus 6, okay, and the g of x is equal to x minus 3, okay. So let x minus 3 is equal to 0, so x is equal to what? 0 plus 3, so we got x equal to 3. So put that x equal to 3 in the above polynomial. Okay, now we are going to put the value. Let's put the value, that is p of 3 is equal to 3 ka cube minus 4 into 3 ka square plus x or plus 6. So karte 3 ka square cube kitna hoga? 6 is 9. 9 is just 27. माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, ओके, प्लस 3, ओके, प्लस 3 आएगा यहां पर और प्लस 6, ओके, 27, 4 9 का दैट इज 36, ओके, प्लस 3 एंड प्लस 6, ओके, 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 हो जाएंगे यहां पर 9 और 27 प्लस 9 कितने हो जाते हैं हमारे, यस 36, दैट मींस 36 minus 36. Okay, here we got the value 0. Okay, यहाँ पर हमें 0 value मिल जाती है. So what we can say that? Yes, we can say that yes, x minus 3 is a factor of given polynomial. So student, बहुत आसान सा है यहाँ पर जो कुछ हमें factors दिए हैं. उनको इज इक्वल टू 0 मानना है, x की वैल्यू निकालनी है और वो वैल्यू पुट करनी है इस एक्सप्रेशन में. अगर वैल्यू जब 0 आता है तो वो फैक्टर है, जब 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है. सिर्फ यहां पर एडिशन और जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो आपको क्या करनी होगी, प्रॉपरली यू मस्ट हैव टू डू. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस सॉल्व अवर द थर्ड
third example, it is question number 3. Okay students, let us solve the third example, third problem, question number 3 from our exercise 2.4. What we do have, find the value of k, हमें एक k जो लिख रहा है यहाँ पर इसकी वैल्यू ढूंढनी है, if x minus 1 is a factor of p of x in each of the following cases. अब ऑलरेडी उन्होंने बता ही दिया है हमें कि x minus 1 क्या है, इसका फैक्टर है. इसका फैक्टर है मतलब यहाँ पर x minus 1 मतलब x plus x equal to 0 मानेंगे तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी 1, x की वैल्यू मिल जाएगी 1. तो x अगर 1 यहाँ पर प्रोडक्ट किया तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी कितनी आती है, 0 है. तो चलो सॉल्व करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं k की. सो पहला वाला सॉल्व करते हैं, दैट इज फर्स्ट वन, p ऑफ x दिया है आपको x स्क्वायर प्लस x प्लस k एंड x माइनस 1 इज अ फैक्टर. वो क्या दिया, x माइनस 1 उसका फैक्टर दिया है. सो x minus 1 is equal to 0 and x equal to कितना आएगा हमें, 0 plus 1, then x equal to आएगा हमारा 1. कितना आया हमारा x 1 1. तो इसका अर्थ ये हुआ, x equal to 1, इसका अर्थ ये हुआ that p of 1 is 0 since x minus 1 is a factor. तो x minus 1 factor है, तो p of 1 is equal to कितना आएगा हमारा, 0. ओके तो यहाँ पर p of 1 0 है, तो अगर हम p of 1 इस वैल्यू में डालते हैं, दैट मींस p of 1, तो यहाँ पर हमारे पास ये पॉलीनोमियल कौन सा है, p of x equal to x square plus x plus k. तो इसमें वैल्यू डालेंगे 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, लेकिन हमें p of 1 क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा. क्यों, क्योंकि x minus 1 उसका ऑलरेडी फैक्टर दिया हुआ. तो हम यहाँ पर p of 1 की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 is equal to 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k. तो यहाँ पर देखो 0 is equal to क्या आएगा, फिर 1 का स्क्वायर तो होता है हमारा 1 ही, ओके फिर 1 और फिर k, दैट मींस हमें आएगा 0 is equal to 2 plus k. अब ये 2 यहाँ पर इधर ऐड है, इधर जाएगी शिफ्ट हो जाएगा, तो आएगा 2 माइनस 0 minus 2 is equal to k. That means k is equal to, that is k is equal to क्या मिल गया हमें, yes minus 2. k के अंदर क्या मिल गया मुझे, minus 2. So here we find out the value of k. Understand? तो क्या करना है आपको, just इस तरह से example लिखना है कि p of 1 को 0 मानना है, क्योंकि since x minus 1 क्या है, उसका factor है. यहाँ पर k के अंदर कितनी मिल गई मुझे, yes minus 2. Again let us solve the and find out the value of k in that third one example. So second or fourth one जो होगा आपको क्या करना है, homework में घर पे करना है. Okay, so let us, I am solving the third one for you students. Okay, so solving the third one example for you. Third one के लिए actually देखते हैं, 1 2 3, कि p of x is equal to kx square minus root 2x और plus 1 और okay factor कौन सा दिया है, and x minus 1 is a factor. उसका factor क्या है, x minus 1, x minus 1 factor है, तो x minus 2 equal to मान लेते हैं 0. So x equal to कितना है, 0 plus 1, that is x equal to 1. तो x equal to 1 आता है, but हमें पता है अभी p of 1 is equal to 0 since x minus 1 is factor. x minus 1 क्या है, factor है. तो p of 1 की जगह पर वैल्यू डालते हैं, p of 1 is equal to k 1 का square minus root 2 into the bracket 1 और plus 1. यहाँ पर देखो p of 1 तो क्या लेना है हमें, 0 लेना है, क्योंकि वो उसका x minus 1 क्या है, उसका